नाम रोशनी, पर पति के जीवन में ला दिया अंधेरा। पति ने रात दिन मेहनत कर पत्नी को पढ़ाया, रिजल्ट में मिला धोखा। वर्दी पहनते ही पत्नी ने पति के सामने रख दी तलाक की मांग। याद आया ज्योति मौर्य का किस्सा। उत्तर प्रदेश की SDM ज्योति मौर्य की कहानी आप सबको याद होगी, लेकिन एक बार फिर ऐसी ही कहानी की याद बेगूसराय में ताजा होती दिखाई पड़ रही। इस कहानी में एक मजदूर की पत्नी पुलिस कांस्टेबल बनते ही ना सिर्फ सात फेरों के रिश्ते को भूल जाती है, बल्कि पति की उस कुर्बानी का भी कोई मोल नहीं रहा, जिसकी बदौलत उसने इस मुकाम को हासिल किया। आज के जमाने में जहां लड़कियां चाहती हैं कि उसका पति हमेशा उसे आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करे, उसको हर तरह से सपोर्ट करे, लेकिन अगर ऐसे मामले सामने आते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब लड़कियों को पढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पति उन्हें सपोर्ट करे। एक वक्त था जब लड़कियां चार दीवारी में थी, लेकिन आज जब उन्हें उड़ने के लिए पंख मिले हैं तो उस आजादी के साथ उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उस इंसान का क्या जिसने अपने घर परिवार से लड़कर अपनी जिंदगी भर की कमाई उस पत्नी को पढ़ाने पर लुटा दी, जिसने आज पल भर में ही रिश्ते को खत्म करने का फैसला ले लिया। बेगूसराय में पत्नी पति के बीच घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। दरअसल पत्नी अपने पति से तलाक मांग रही थी, लेकिन पति तलाक देना नहीं चाहता है। पत्नी को मनाने की लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन वह नहीं मान रही है। फिर पत्नी अपने भाई और पिता के साथ तलाक मांगने मायके से ससुराल पहुंच गई। मामला बखरी थाना क्षेत्र के धरा गांव का है। धरा थाना सिंह गांव निवासी विजय कुमार की शादी 15 जून 2023 को साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सना निवासी रोशनी कुमारी के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों का जीवन सुखी से बीत रहा था। पत्नी रोशनी और पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन विजय के पास पैसे नहीं थे। मैट्रिक पास पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए विजय ने मजदूरी की और रोशनी को पढ़ाने लगा। समय बीतता गया और पत्नी के मन की मुराद भी पूरी होती गई। 2022 में उसे बिहार पुलिस में नौकरी मिल गई। इसके बाद अक्टूबर 2022 में रोशनी प्रशिक्षण लेने चली गई। इसी बीच ट्रेनिंग के दौरान ही दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई, दोनों के बीच बातचीत भी कम होने लगी। इस कहानी में तो नया मोड़ तब आया जब पत्नी अपने रिश्तेदारों के साथ चमचमाती गाड़ी से अपने ससुराल पहुंची। इस दौरान पुलिस की वर्दी पहनने वाली पत्नी अपने पति से दो टूक शब्दों में कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती और उससे तलाक लेना चाहती। इतना ही नहीं, वो शादी के वक्त मिले सामान को भी वापस लेना चाहती है। पिता, भाई और अन्य दूसरे रिश्तेदार के साथ पहुंची पत्नी के इस फैसले को सुनकर पति अवाक और सन्न रह गया। पति का कहना है कि वह पत्नी के साथ रहना चाहता है और काफी मान मनोबल कर रहा है, लेकिन उसका पत्नी पर कोई असर नहीं हो रहा है। वहीं पीड़ित पति का कहना है कि पत्नी की नौकरी हो गई है तो हमको आज छोड़ रही है। मेरी पत्नी पुलिस कांस्टेबल बन गई है। मेरी जब शादी हुई थी तो वह मैट्रिक पास की थी, उसके बाद मैंने इंटर कराया। 2022 में बिहार पुलिस के लिए वैकेंसी आया, उसमें पास कर गई। अब तलाक मांग रही है। मैं हिंदू हूँ और हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है। मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। ये पूरा मामला तो तब सामने आया जब पत्नी के मायके वाले दहेज में दिया हुआ सारा सामान वापस लेने आए। हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान गांव के लोग और ससुराल के लोग पत्नी को जाने से रोकने लगे और उसकी गाड़ी के सामने खड़े हो गए, जिसके बाद गाँव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पति किसी भी कीमत पर पत्नी को नहीं जाने देने की जिद पर अड़ा रहा, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों को थाने ले गई। पुलिस के द्वारा दोनों को कोर्ट द्वारा मामला सुलझाने की सलाह दी गई और किसी तरह से पूरा मामला शांत हुआ। पूरा मामला बखरी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News 1 India।